दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अभी यहाँ पे जो भी आप लोग देख रहे हो, बहुत सारे लोग आए, देखा यहाँ पे, एंजॉय किया, बट इसके पीछे का मेहनत जो है ना, वो ये है जो अभी नजर आ रहा है आप लोग। अगर आप लोगों को याद होगा, एक दिन में पसीना छुटा रहा था हाथ से, तब वो यही पोर्शन था ऊपर का, यही पे हम काम कर रहे थे उस गर्मी में। अभी माशाल्लाह यहाँ पे बहुत ठंडी है, ये भी एक अगर मैं कहूँ कि फ्रेश एयर देने में काम आ रहा है यहाँ पे, जो ये हमारे लाइव शावर चलते रहते हैं, तो इससे भी हमारा लाइव शावर से फायदा है। लेकिन इसके पीछे काम कैसे हमने किया है, इसके इंटीरियर कैसा है, वो तो अभी एक्सप्लेन करना मुश्किल है, तो थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं कि ये चीजें यहाँ पे, ये कस्टमर को फीलिंग के लिए, कस्टमर चाहेगा तो अट्रैक्शन मानो कस्टमर की, सिंपली रहो। तो इसके पीछे कोई बड़ा एल्गोरिथम नहीं होता है, सिंपल है, एक अच्छा कारीगर खुद कर सकता है आराम से। तो यहाँ पे ये इस शावर का अगर हम देखें, तो इस हिसाब से हमारा काम चलता रहा आगे। और ये इलेक्ट्रॉनिक शावर है इसका, पेंसिल इन शेप में। तो उसके अलावा ये इसमें आप लोग चेक कर सकते हो, इसके अंदर लगा के है टेम्परेचर मीटर ऑटोमेटिक, अगर मैं कहूँ डिजिटल थर्मोस्टेट इसके अंदर लगा के है, जिसे हम नाप सकते हैं कि हम कौन सी पानी अपने बॉडी पे दे रहे हैं, कितने डिग्री का दे रहे हैं, ये चीज है बेनिफिट इस चीज का। तो ये लाइव शावर का फील कैसे क्या ले सकते हैं, हमने भी बहुत कंट्रोल करके रखा है इसको। इसकी कंट्रोल कहाँ पे हम कर सकते हैं, जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ, आप लोग कहते हैं कि दूसरे की गलतियां दिखा रहे हैं, तो मैं गलतियां नहीं दिखा रहा हूँ लोगों का, मेरा मेन मोटो जो है वो रियलिटी दिखाने का है। यहाँ पे जितने भी आप लोग सीलिंग एक्सपोज शावर देख रहे हैं, ये सीलिंग एक्सपोज शावर होते हैं, दो तरीके के सीलिंग में हम करते हैं, एक होता है हमारा सीलिंग कंसील शावर, दूसरा होता है सीलिंग एक्सपोज शावर। तो ये सीलिंग एक्सपोज शावर है, इसमें एक्सपोज आर्म लगती है, तो उस हिसाब से उसका लुक इस पैटर्न का बन जाएगा। तो ये हमने लकड़ी का बनाया है यहाँ पे, और उसके ऊपर टाइल और बाकी वाटर प्रूफ मटेरियल लगा के हमने इसको फिनिश किया है। तो इस तरीके से हमने काम किया है यहाँ पे, ये लाइव यहाँ पे है, ये वही है कंसेप्ट यहाँ पे लालपुरा HMT में। तो जब भी मन करेगा आप लोग आके चेक कर सकते हो कि फायदा जब भी काम इंशाल्लाह हमेशा के लिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि पानी जाया हो रहा है, लेकिन ये पानी जाया नहीं हो रहा, यही पानी सर्कुलेशन में आ रहा है हमेशा। हमें अगर मानो हमने 1000 लीटर भरा, उसको हम एक हफ्ते तक इस्तेमाल कर सकते हैं, केमिकल उसको इस्तेमाल करके हम एक हफ्ते तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं टूर करा दूंगा आप यहाँ पे भी। तो ये हमारा यहाँ पे ये है शोरूम। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट में, तब दीजिएगा भाई को इजाजत, अल्लाह हाफिज़।